सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग 8 इंची प्लेट बना रहे थे। तो 8 इंची प्लेट जो हम लोग बना रहे थे, ये टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक ये है कि हम लोग जो डाई में जो भी डाई हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसके लिए जो हम लोग कार्टिंग पेपर जो हम लोग लेके आते हैं खरीद के, बहुत समय हम लोग का होता क्या है, कार्टिंग पेपर जो है ना, वो डाई से हो सकता है थोड़ा बड़ा हो या हो सकता है थोड़ा सा छोटा हो जाता है। जब बड़ा होता है उसका एक अलग प्रॉब्लम है, और जब छोटा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बड़ा होने का वजह से आपका प्रॉब्लम जो है उतना ज़्यादा आपको फेस नहीं करना पड़ता है, तो तब भी वो हम लोग जो है मैनेज कर लेते हैं। मैनेज करने का तरीका भी हम आपको बता देंगे। और छोटा अगर आपका डाई का जो एक्चुअल जो माप है, वो माप से अगर आपका जो कागज है या जो सर्कल है वो अगर छोटा हो जाता है, तो उसका जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम आप एकदम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कोई डाई वगैरह कुछ खरीदने का ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी डाई है वो डाई से आप चाहे आपका मान लो आपका डाई 12 इंची साइज है, तो आपके पास 11.5 का प्लेट है, मतलब कागज है, तो 11.5 के लिए आपको अलग से डाई खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं आपको सॉल्यूशन अभी हम आपको बता देंगे कि 12 इंच का डाई में आप 11.5 का प्लेट किस तरह से बनाइएगा। बहुत लोग इस डर से बनाते नहीं है या 11.5 लेते नहीं है कि 11.5 के लिए हमारे पास कोई डाई नहीं है। बेसिकली हर एक के पास 90% लोग जो है उनके पास 90% गलत है, 99% लोगों के पास जो है 12 इंच का डाई होता है। तो 12 इंच का डाई में 11.5 बनाना पॉसिबल है नहीं, तो उसके लिए हम लोग कुछ जुगाड़ लगाया है, छोटा सा जुगाड़, एकदम सिंपल आपको जुगाड़ लगेगा। एकदम आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका डाई 12.5 का डाई या 12.5 इंच का डाई को आप 11.5 का डाई आप बना सकते हैं, आराम से बन जाएगा। तो उसके लिए आपको वीडियो का एंड तक देखिए। तो वो तो अलग बात हो गया। अभी जो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, अगर आपका छोटा अगर आपका कागज जो है वो छोटा हो जाता है, मतलब डाई छोटा पड़ जाता है, तो आप क्या करेगा। ये जो आपका कागज़ देखिए यहाँ पर उठा हुआ है, देखिए इस साइड में, देखिए इस साइड में, देखिए बिल्कुल लेवल है, लेकिन इस साइड में जो है कागज़ थोड़ा सा 1 इंची या 1.5 इंची ज़्यादा ऊपर है। तो ये होता है बड़ा होने का प्रॉब्लम, लेकिन ये उतना ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं कि आपका जो है माल देखने में इतना ख़राब लगे या वो चलने का लायक है भी नहीं, मतलब इस तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हालांकि अगर आप रिंकल में मारते हैं तो उससे कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा आपको कि बड़ा है या छोटा है, लेकिन जब आप डायमंड में काम करिएगा ना, तो आपका जो एक्यूरेट जो डाई का साइज है, वो साइज का अगर आपको कागज नहीं मिलता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ता है। तो किस तरह से आप प्रॉब्लम फेस करिएगा या उसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। आप वीडियो को बिना स्किप करें कंटिन्यू देखिए। अब देखिए, ये रिंकल में है, इसीलिए क्या है आपको जो चारों साइड जो बीट है, हालांकि अगर आप थोड़ा गौर से देखिएगा तो इस साइड में आपका बीट जो है थोड़ा छोटा है और इस साइड में थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आपका डाई से अगर 1.5 इंची अगर कागज बड़ा भी होता है तो उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। उसका सॉल्यूशन जो है बहुत ईजी सॉल्यूशन है। आपका जो डाई में जो क्लिप लगा हुआ है ना, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ना, एक क्लिप को बाहर के तरफ आप थोड़ा थोड़ा बाहर के तरफ पुश करके मोड़ दीजिए, या हथौड़ी से या प्लायर से आप इसको मोड़ सकते हैं। तो इसको अगर थोड़ा मोड़ दीजिएगा तो ये जो कागज़ है वो बहुत इजीली इसके अंदर आ जाएगा। तो ये जो बड़ा कागज का प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व करिएगा आप, उसके लिए डाई वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको 12.5 का डाई है या 12 इंच का डाई है, 11.5 का आप प्लेट बनाइएगा कैसे, उसका प्रॉब्लम चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये जो डाई है ये मेरे पास 12 इंच का डाई है, लेकिन हम लोग इसमें 11.5 का प्लेट जो है वो बना नहीं पाएंगे। अगर आपने इसमें कोई चेंजेस वगैरह कुछ नहीं करते हैं तो बना नहीं पाएंगे। तो 11.5 का अगर हम अब इसमें 12 इंच का कुछ कागज लगाते हैं, तो देखिए अगर हम इसमें 12 इंच का कागज़ लगाते हैं तो इस तरह से वो फिट आएगा। अब देखिए,
ये डाई है, डाई का इस साइड में देखिए इतना ज़्यादा गैप आ गया। तो हम लोग जब इसको पंचिंग करेंगे तो इस साइड में आपका जो बीट है ना बहुत छोटा बीट आ जाएगा, और इस साइड में जो आपका बीट है बहुत बड़ा आएगा। अब देखिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से डाई प्रेस करने के बाद प्लेट जो है आपको इस तरह से नज़र आएगा। इस साइड में आप बीट देखिए, बहुत मतलब बीट जीरो हो गया है, और इस साइड में बीट बिल्कुल सही है। तो इसीलिए सही है कि आप जो डाई में जो कागज़ एडजस्ट करते हैं ना, वो ये एक्चुअल जो डाई है ये 12 इंच का डाई है, ठीक है, ये 12 इंच का डाई है, लेकिन हम लोग कागज़ जो यूज़ करते हैं 11.75 यूज़ करते हैं। अभी हालांकि मार्केट में बहुत कंपटीशन आने के बाद हम लोग जो है 11.50 भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन 11.50 यूज़ करना, ऐसे भी हम लोग 11.70 जब यूज़ कर रहे हैं ये प्रॉब्लम दिखा रहा है कि एक साइड में बीट छोटा हो जा रहा है, एक साइड में बड़ा हो जा रहा है। अगर इसमें हम अगर 11.50 यूज़ करेंगे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आप देख लीजिए। ये है इसका सॉल्यूशन, देखिए ये तीनों है इसका सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस आप कहीं पर भी कबाड़ी, आपका घर में जहाँ पर कबाड़ी पड़े रहते हैं वहाँ पर जाकर के देखिए, आपको इस तरह से पतला टीन का कोई भी आपको सीट मिल जाएगा। तो वो जो टीन का सीट है आप उसको इस तरह से आप काट लीजिए। इसको काट के आपका डाई में जो क्लिप लगा हुआ है वो क्लिप में जैसे कि आराम से घुस जाए, उस हिसाब से इसको आप मोड़ लीजिए। आप देख रहे हैं ना, इसको देखिए, इसको इस तरह से मोड़ लीजिए। हमने तीनों इस तरह का क्लिप बना रखा है आगे से, बहुत पहले से हम लोग इसको बना लिया है, ठीक है। तो इस तरह का क्लिप को आप करना क्या है, आपको जस्ट सिंपली इसका अंदर इस तरह से पुश करा के रख देना है। इसको यहाँ पर पुश करा दिया, इसको यहाँ पर पुश कर दिया, और इसको यहाँ पर पुश कर दिया। तो इस तरह से पुश करने के बाद अब हम लोग इसमें कागज़ डालते हैं। अब देखो यहाँ जो सामने में जो आपको एक गैप नज़र आ रहा था वो गैप कंप्लीट हो गया है। अब देख रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल चारों साइड में मेज़रमेंट हो गया। अगर इसके अलावा आपको प्रॉब्लम होता है कि आपका कोई साइड ज़्यादा आपका चला गया है, या इस साइड में ज़्यादा आपको उस साइड में ठेल दिया है, तो आप हथौड़ी या प्लायर का सहायता से इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ घिसका दीजिए, या इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ घिसका दीजिए। मतलब बस एक दो मिनट का काम है, आप 12 इंच का डाई में 11.5 का भी आप माल इस तरह से आप बना सकते हैं। हो गया ना, बहुत ईजी काम। इसके अलावा आप इसमें जो है जो क्लिप है, एक क्लिप आप एक बार बना लीजिएगा तो आपका कोई भी डाई में आप इसको जस्ट इजीली खोल सकते हैं, और इजीली इसको आप पहना भी सकते हैं। लेकिन हाँ, अब ये जो डाई में आप जब काम करिएगा, डाई को हीट करने से पहले, डाई जब आपका ठंडा रहेगा तो डाई हीट करने से पहले आप क्या करिएगा, एक आपका जो सर्कल है, सर्कल कागज़ जो है वो कागज़ को आप सबसे पहले ले करके इस तरह से डाई में बैठाइए। पहले डाई में बैठाने के बाद डाई का चारों साइड आपको आराम से इजीली नज़र आएगा कि कौन साइड ज़्यादा अंदर है या कौन साइड ज़्यादा बाहर है। तो उस तरह से आपको एडजस्टमेंट कर लेना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी एडजस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए, तो फ़िलहाल जो है ये 90% तक परफेक्ट हो गया है, 100% नहीं बोलूँगा मैं, 90% परफेक्ट हो गया है। अगर आप एक क्लिप का अलावा अगर आप ये वाला पेपर इसको इस तरह से अंदर घुसाते हैं तो देखिए फ्रंट में जो है ना इतना ज़्यादा गैप हो जाएगा। इतना ज़्यादा अगर आप गैप रख के इसको पंचिंग करते हैं तो इसका गेटअप जो है बिल्कुल ख़राब गेटअप आएगा। इसको आप मार्केट में, मतलब आप दुकानदार को आप दिखा नहीं पाइएगा। तो अब जब इसको क्लिप हम लोग लगा देते हैं, तो क्लिप लगाने के बाद जो हम लोग माल बनाए हैं, आप देखिए यहाँ पर माल बन के रखा हुआ है ऑलरेडी। तो इस तरह से हम लोग क्लिप बना के माल को यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। क्लिप बनाने के बाद जो माल का गेटअप है वो देखिए, अब किस तरह से यहाँ पर गेटअप आ गया। देखिए ना,
पूरा चारों साइड जो है एकदम बिल्कुल समान एवं लेवल का गेटअप आ गया है। अब देख रहे हैं ना, पूरा चारों साइड जो है इसका लेवल का गेटअप आ गया है। तो गाइस आई होप कि आपको बहुत अच्छा एक टिप्स आपको पता चला होगा। हमें पता है कि ज़रूर आपको इससे पहले मालूम नहीं था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या नया कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से, ज़रूर कमेंट में बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक करके भी हमें बता सकते हैं। अगर आपको इस तरह का नया नया टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देखना है या जानना है पेपर प्लेट बिजनेस के बारे में, और कुछ नया सीखना है, बहुत सारे आपको नॉलेज लेना है मार्केटिंग के बारे में, आपको कहाँ से रॉ मटेरियल्स खरीदने से, किस तरह से रॉ मटेरियल्स खरीदने से आपका नुकसान जो है वो घट सकता है, आप कौन सा टाइम है मार्केटिंग अच्छा रहेगा, आपका साल में कौन सा टाइम जो है बहुत ज़्यादा मार्केट से मुनाफा आता है, किस तरह से आप पैकिंग करिएगा, किस तरह से आप फर्स्ट प्रोडक्शन करिएगा, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है हम लोग इसी चैनल में धीरे धीरे लाते रहेंगे। अगर आपको ज़रूरत है इसी तरह का वीडियो या इसी तरह का कंटेंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल बटन ऑन करके रखिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है हर एक वीडियो का पहुंच जाए आपके पास। इसके अलावा मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा, हमारे पास अभी जो है हाइड्रोलिक मशीन, डाइस मशीन का सर्विसिंग, मशीनरी A to Z कोई भी पार्ट्स अभी हम लोग अवेलेबल कर चुके हैं। आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन माल जो है आपके पास डिलीवर हो जाएगा। इसके लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा या हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में भी आप हमें उसके लिए जो कांटेक्ट करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9614123648। मशीनरी पार्ट्स डाई वगैरह के बाद भी हम लोग रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं 80 GSM से लेकर के एकदम 300 GSM, 80 GSM, 100 GSM, 120 GSM, 140 GSM, 160 GSM, 180 GSM, क्राफ्ट में डुप्लेक्स में सलपत्ता गिला पत्ता कोई भी माल आपको चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। सो गाइस आई होप कि आपको आज का दिन बहुत अच्छा कुछ एक सीखने को मिला है। अगर आप इससे पहले आपको पता था इस तरह का नॉलेज वो भी आप कमेंट करके हमें बताइए। मिलता है कोई अगला एक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।